नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड नए नए वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आंगनबाड़ी से ही रिलेटेड एक ऐसी न्यूज़ दिखाऊँगा जिसको देखने पर आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसी आंगनबाड़ी महिला जो अपने शरीर से विकलांग है, वो एक आंगनबाड़ी वर्कर हैं। तो आप सभी को पता ही है कि आंगनबाड़ी में कितने काम होते हैं जिसको करने में आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो एक ऐसी महिला हैं जो दिव्यांग हैं, फिर भी आंगनबाड़ी का काम बखूबी निभा रही हैं, और आंगनबाड़ी के साथ साथ वो अपने घर के भी कामकाज में हाथ बटाती हैं, और जो उनका गाँव है वो अपने गाँव का भी जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। तो इसी के बारे में आप लोग जानेंगे कि वो कौन सा गाँव है। तो आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि उनकी सैलरी कितनी है जो इस सैलरी पे वो अभी कार्य कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। और उससे पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि ऐसे ही सच्ची खबरें पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो आप सभी को दिल को छू जाए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जागरण से न्यूज़ प्रकाशित हुआ है, और ये न्यूज़ है उड़ीसा का, और यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न रूप से सक्षम दिव्यांग आंगनबाड़ी दीदी मेरी। तो ये जो तस्वीर है आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इनकी जो ज़िंदगी है और ये अपने दिनचर्या में किस प्रकार से काम करती होंगी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये न्यूज़ जो है 24 जून 2021 को, यानी कि आज के दिन ये सुबह सुबह प्रकाशित हुई थी। तो चलिए आगे हम लोग इनके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। जागरण संवाददाता राउरकेला, तो ये राउरकेला का न्यूज़ है और न्यूज़ में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सुंदरगढ़ जिले के लेफ्रीपारा ब्लॉक में पहाड़ी से घिरे भंवरखोल गांव की आंगनबाड़ी केंद्र की दीदी मेरी जयंती टेटे जन्म से दिव्यांग है। तो इनका नाम जयंती टेटे है, जो कि ये जन्म से ही दिव्यांग है। दोनों पैर व दोनों हाथ जमीन से सटाने पर ही वह चल फिर पाती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने तस्वीर में देखा कि वो कैसे चल फिर पाती हैं, तो जब तक वो दोनों हाथ पैर जमीन पे नहीं सटाएंगी तब तक वो चल फिर नहीं पाएंगी। कोरोना काल में लोगों को बचाव के लिए जागरूक करने से लेकर उनके स्वास्थ्य की जाँच, टीकाकरण अभियान में उनकी लगन व प्रयास सभी की जुबा पर है। जो इनका लगन और जो हौसला है, इन सभी को देखते हुए इनके गांव के लोगों के जुबान पर इनका ही नाम रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र का दायित्व संभालने के साथ साथ कोरोना काल में सरकार के निर्देशानुसार सभी कार्य बखूबी निभा रही हैं। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके हिसाब से ये अपना काम बखूबी निभा रही हैं। अपना दुख भूल कर वह दूसरों के दुख में शामिल हो रही हैं। घर का काम संभालने जल्दी करने के बाद गांव के हर टोला में जाकर लोगों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराना उनकी दिनचर्या में शामिल है। तो आंगनबाड़ी का काम तो आप सभी को पता ही है कि कितना ज़्यादा काम होता है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कुल 75 परिवार वाले भंवरखोल गांव की आबादी 315 है, जिसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी दीदी मेरी पर है। हर दिन सुबह 8 बजे से काम में लग जाती हैं। सुबह घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर से लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करना, कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाना, सफाई पर ध्यान देना, और अपनी बारी आने पर टीके लगवाना, इसके लिए जागरूक कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव को बुलाकर गांव के विकास के लिए सरकार की योजना तथा कोरोना से बचाव के संबंध में बताना प्रत्येक दिन उनके एजेंडा में होता है। इस दौरान खुद भी कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानी बरतती हैं। पहाड़ी पर चढ़ना सक्षम व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, पर दिव्यांग होकर भी वह हर क्षेत्र में जाकर सर्वे करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने में पीछे नहीं है। ये तो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ये रहती हैं, तो वहाँ पे इनका चढ़ना मुश्किल होता है, फिर भी ये घर घर जाकर सर्वे करना और लोगों को जागरूक करने में
पीछे नहीं हटती हैं। वह गांव में आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम ANM तथा आशा कर्मियों का भी भरपूर सहयोग करती हैं। तो जो उनके गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है ANM और आशा कर्मी, तो उनका भी ये भरपूर सहायता करती हैं। उनके केंद्र के अधीन मायावती और ये जो गांव हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और सरकारी स्कूल बंद होने के कारण 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के प्रति भी वह अभिभावकों के पास जाकर प्रेरित करने के साथ ही समय मिलने पर खुद भी पढ़ाती हैं। तो जब स्कूल बंद है उस टाइम में जो 6 साल तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए वो अभिभावकों के पास जाती है और उन्हें प्रेरित करती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और वो समय मिलने पर खुद भी उन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के अभिभावकों को प्री स्कूल का कैलेंडर देकर पढ़ाई के संबंध में बता रही हैं। इसके अलावा गर्भवती माताओं की देखभाल, शिशु का टीकाकरण, बच्चों व माताओं का पोषाहार देने का दायित्व भी वह अच्छी तरह निभा रही हैं। गांव को साफ सुथरा रखने का दायित्व भी इन्हीं के ऊपर है। तो ये आंगनवाड़ी का काम के उपरांत जो गांव की जिम्मेवारी भी है वो इन्हीं के ऊपर है। गांव को साफ सुथरा रखने का दायित्व भी इन्हीं के ऊपर है। हाथ व पैर में चप्पल पहनकर घर घर पहुंचने वाली मेरी दीदी का काम देखकर सभी को आश्चर्य होता है। इतना सारा काम करने के बाद भी सरकार की ओर से इन्हें हर महीने 5500 रुपये मिलता है एवं इसी से वह संतुष्ट है एवं अपना परिवार चला रही है। वह कहती है कि सेवा में अलग ही आनंद है, जितनी भी बाधा आए वह इस काम से पीछा नहीं हटेंगी। तो ये एक ऐसी आंगनबाड़ी महिला है जो हाथ व पैर में चप्पल पहनकर घर घर पहुंचने वाली मेरी दीदी का काम देखकर सभी को आश्चर्य होता है। आश्चर्य तो होगा ही कि ऐसी आंगनबाड़ी महिला हैं जो कि हाथ व पैर में चप्पल पहनकर घर घर जाती हैं और सारा काम अपना बखूबी निभाती हैं, और जो सरकार की ओर से इन्हें पैसे मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपये मिलते हैं, और इनका कहना है कि सेवा में ही आनंद मिलता है। तो ये कहती हैं सेवा में ही आनंद मिलता है, तो ये अपने गांव में जो सेवा करती हैं उसी से ये खुश हैं। तो मैंने आप सभी को एक न्यूज़ के माध्यम से जो एक आंगनवाड़ी है दिव्यांग होने के साथ ही वो अपना कार्य आप लोगों ने देखा सुना कैसे करती है, तो आप सभी भी अपने कार्य से पीछे ना हटें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।